सो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ज़िब्रोनिक का प्रीमियम गेमिंग माउस एलियन प्रो। और आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए, आपको इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। सो मैं हूँ ऑल्ट और आप देख रहे हैं ऑल्ट के यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलो फिर शुरू करते हैं। पहला तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा ज़िब्रोनिक्स को, जो इन्होंने मुझे ये गेमिंग माउस एलियन प्रो रिव्यू करने के लिए दिया हुआ है इधर। सो शाउट आउट टू ज़िब्रोनिक्स फॉर दैट। अगर हम बॉक्स को देखें तो यहाँ पे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप जैसे कि देख ही सकते हो हमें सब जगह पे एलियन प्रो और माउस की ब्रांडिंग वगैरह देखने मिल जाती है। और इसके बैक साइड में भी हमें कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है स्पेसिफिकेशंस में। उसके बाद में अगर हम इसको अनबॉक्स करने के जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी एकदम अलग डिज़ाइन की अनबॉक्सिंग हमें इधर दी गई है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक अलग पैकेजिंग के साथ में आता है, तो हम इधर से ये लैच खोल लेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि दरवाजे जैसा कैसा खुलता है। बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे माउस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई है और राइट साइड पे इसके मेन फीचर्स के बारे में हमें बताया गया है, जैसे कि DPI स्विच है, 6 बटन्स है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वेल द पैकेजिंग वॉज रियली ऑसम, क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने पैक करके इधर प्रोडक्ट हमें डिलीवर किया हुआ है। सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स। सो अब ये माउस को इधर से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कुछ अंदर हमें मिलता है क्या। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक माउस मिलता है। तो ये है हमारा ज़िब्रोनिक का एलियन प्रो। अगर हम इसकी केबल्स पर ध्यान दें तो आपको इधर केबल्स पर एक ब्रेडेड केबल मिल जाते हैं देखने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इधर जो हमें USB केबल दिया गया है वो गोल्ड प्लेटेड है और उसके ऊपर उन लोगों ने कैप दिया हुआ है, ताकि अगर आप इसको किधर स्टोर करना चाहते हो तो सेफ रहेगा। और इसके साथ में जो वायर मिलता है हमें वो 1.8 मीटर का मिलता है, यानी कि आप थोड़ी अच्छी खासी डिस्टेंस पर अपने माउस को रखकर अपने PC के साथ खेल सकते हो। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो माउस हमें दो कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, मतलब कि ब्लैक और गोल्डन कलर में। और ये जो गोल्डन कलर है ये मेटेलिक फिनिश के साथ में आता है, और जो ऊपर का कलर है ब्लैक वो मैट ब्लैक कलर है। माउस के बॉटम साइड पर हमें एक ज़िब्रोनिक का लोगो देखने मिल जाता है, जो कि LED है। और अगर आप माउस के नीचे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लेविटेट हो रहा है, मतलब कि ऐसा लगेगा आपको एक रेजर का माउस था बहुत पहले, वो भी ऐसे देखने में ऐसा लगता था कि वो लेविटेट हो रहा है, लेकिन वो लेविटेट नहीं होता था, उसके नीचे से LEDs निकलती थी। ये भी कुछ उसी तरीके की डिज़ाइन में हमें इधर दिया गया है। अगर आप माउस के लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर हमें दो बटन्स देखने मिल जाते हैं, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से गेम टू गेम। और साथ में एक फिंगर ग्रिप मिल जाती है, जिस पर आप अपनी फिंगर को रेस्ट कर सकते हो। फ्रंट साइड पे हमें एक स्क्रोल व्हील मिल जाती है, जो कि क्लिकेबल है। और साथ में हमें लेफ्ट राइट वाले बटन्स भी देखने मिल जाते हैं। फ्रंट में हमें एक DPI का बटन भी देखने मिल जाता है, और जिससे कि आप DPI इसकी चेंज कर सकते हो। ये लगभग 4 DPI सेटिंग्स के साथ में आता है। आपको एक मिलती है सबसे लो 600, उसके बाद में 1200, उसके बाद में 1800 और लास्ट में है 2400। तो ये चारों आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से गेम वाइज, और गेम के अंदर भी चेंज कर सकते हो DPI का बटन क्लिक करके। और अगर आप ये DPI के बटन को दबाओगे तो आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे, यानी कि अगर आपने 600 चूज़ किया है तो उसका कलर अलग होगा, और अगर आपने 1200 चूज़ किया हुआ है तो उसका कलर अलग होगा। यानी कि जितनी भी हमारे पास DPI सेटिंग्स है सबका कलर अलग अलग होगा। इस माउस में हमें टोटल 6 बटन मिलते हैं, और माउस काफ़ी कम्फर्टेबल है अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो।
और बॉटम साइड में हमें इधर कुछ ग्रिप्स देखने मिल जाती है, मतलब कुछ एडिशनल फीचर्स नहीं है लेकिन जितने भी नॉर्मल माउस में होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और माउस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर आप इसको डेली यूज़ में लेना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा एक आपको इधर माउस का ग्रिप मिल जाता है और मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है कंपेयर टू माय ओल्ड गेमिंग माउस। सो डिज़ाइंस तो लगभग आप देख ही चुके हो, सो अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स की। तो सेंसर मेरे हिसाब से इधर जो इन लोगों ने दिया गया है उसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं मिली, मैंने पूरा इनकी साइट छान मारी, मुझे एक भी डिटेल सेंसर्स के बारे में नहीं मिली। सो मेरे हिसाब से मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा Zebronic को कि आप लोग जो प्रोडक्ट सेल करते हो माउस वगैरह मतलब कि, तो आपको उसमें सेंसर्स की डिटेल जो होती है आपको अपने कस्टमर्स को देनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप कोई भी माउस लो आपको उसके सेंसर्स के वगैरह के बारे में डिटेल वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप जाके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। सो उसको हटाते हैं, लेकिन इसमें एक और एक चीज़ है जो कि इसका हाई पुलिंग रेट। तो आप मुझसे पूछोगे कि पुलिंग रेट क्या होता है, भाई पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो भाई ये ऐसी चीज़ होती है पुलिंग रेट, मतलब कि आपका जो माउस का जो डेटा होती है वो अपडेट होती रहती है आपके डिस्प्ले पर, समझ रहे हो। जैसे कि आपका जो माउस है आप इधर से उधर स्क्रॉल करोगे, ये मोमेंट आप यहाँ से लेकर अगर वहाँ तक जाना चाहते हो माउस को लेकर, तो उसमें जैसे कि आपका रिफ्रेश रेट चेंज होता है डिस्प्ले में, जैसा आपका हर्ट्ज होता है डिस्प्ले में, यानी कि अगर आप सीधा एक जैसा ग्राफिक कार्ड होता है आपको बरोबर से डिटेल दिखाता है, उसमें आपको हर्ट्ज मैटर करता है और आपका FPS मैटर करता है, तो यहाँ पर हमें पुलिंग रेट मैटर करता है। तो लगभग काम वैसी ही है, खाली आपका जो डिफरेंस है वो इसमें आ जाता है कि ये माउस के अंदर है और वो ग्राफिक कार्ड है, तो यही डिफरेंस है, बाकी काम वही है कि आपका कितनी जल्दी जल्दी अपडेट हो रहा है स्क्रीन पर, समझ रहे हो। और अब ये सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है और हार्डवेयर से भी हो सकता है, मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सके और इसकी पुलिंग रेट वगैरह बढ़ा सके तो ये हो सकता है, लेकिन ये हार्डवेयर से भी हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन लोगों ने इधर हाई पुलिंग रेट वाला एक सेंसर यूज़ किया हुआ है, सेंसर की डिटेल नहीं है, बस वही एक प्रॉब्लम है। और अब आ जाते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। सो मैं तो यही बोलूँगा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है मेरे पुराने रेड गियर माउस से जो कि मैं पहले यूज़ करता था, जो कि मिंटा का मेरे पास गेमिंग माउस था, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो मैंने सेट किया था मिंटा का 4.1 गेमिंग सेट। हाँ इसकी LEDs वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, एल्यूमिनेट उतना अच्छा नहीं करती, लेकिन काफ़ी अच्छी LEDs इसमें भी हमें दी गई है। कंपेयर टू माई रेड गियर माउस ये माउस उसके मुकाबले पर बहुत अच्छा है, इनफैक्ट कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। जो मेरा रेड गियर का माउस है वो बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बुरा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा है। अब इससे अच्छे भी ऑप्शन है जिसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी इससे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Logitech का G102 जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा गेमिंग माउस है, और अगर आप उसको बाय कर सकते हो तो बिल्कुल बाय करो, लेकिन उसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। वो अभी फ़िलहाल आपको Amazon पर 1500 के आसपास में मिल रहा है और इसकी प्राइस है लगभग 1100 से लेकर 1100 के बीच में, तो आप समझ लो अपने हिसाब से आपका जितना बजट है आप उस प्राइस पॉइंट में बाय कर सकते हो। अगर हम प्रोज की बात करें इस माउस की, तो सबसे पहला तो इसका पुलिंग रेट जो कि बहुत हाई है इनके हिसाब से, वो मुझे टेस्ट करना है, मैं आप लोगों को एक वीडियो ला के दूंगा अगर मैं नया मॉनिटर लेता हूँ ज़्यादा हर्ट्ज वाला। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो आपको ज़्यादातर माउस में आजकल मिल ही जाती है, जैसे कि 2400 DPI। सो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे DPI सेटिंग्स आपके माउस में होनी चाहिए क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ जगह पर ना वो आपको काम नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास दो मॉनिटर है, एक 4K है और एक है 1080p, हाँ, और आपके पास एक गेमिंग माउस है जो कि है 6000 DPI सेटिंग्स के साथ में आता है। सो ऐसे सिनारियों में क्या होगा, अगर आप वो सेम माउस को दोनों मॉनिटर में कनेक्ट करते हो, तो सबसे पहले हम इसको एक 4K मॉनिटर में कनेक्ट करेंगे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा मतलब माउस की जो स्पीड वगैरह होगी वो आप 6000 की सेटिंग्स पर काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा 4K के मॉनिटर में, लेकिन अगर आप उसको 1080p के मॉनिटर में लेकर जाओगे तो वो काफ़ी बहुत तरीके से एकदम हवा में उड़ने लगेगा माउस। सो DPI सेटिंग्स वाकई मैटर करती है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये एक गिमिक है। अगर आप ज़्यादा DPI वाला माउस अपने छोटे से मॉनिटर के लिए लेने वाले हो तो मेरे हिसाब से अच्छी आइडिया नहीं होगी, आप एक मैक्स टू मैक्स 4000 MHz मेरे हिसाब से सही होगा एक 1080p मॉनिटर के लिए, उसके ऊपर जाने का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता, हवा में उड़ाओगे थोड़ी ना माउस को आप, है ना, स्पीड तो नॉर्मली चाहिए होगी जितने भी आप ढंग से गेमिंग कर सको। सो ये गेमिक है और ज़्यादा DPI की तरफ देखो मत, अगर आपके पास कम DPI है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छा वाला माउस अच्छे सेंसर्स के साथ में लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू अ हाई DPI माउस। सो बस मैं यही कहना चाहता हूँ।
मैं इसके ऊपर आपको दोनों के ऊपर, एक डीपीआई के ऊपर और एक पुलिंग रेट के ऊपर सोच रहा हूँ एक अच्छा डेडिकेटेड खतरनाक वाला वीडियो बना के दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। मेरे सेटअप की पूरी बजी पड़ी है, मतलब हर तरीके से जो भी बजाना चाहता है बजा दे रहा है, बस इतना समझो कि बस अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज लाने की कोशिश करूंगा। तो ओवरऑल माउस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक अर्गोनॉमिकल डिज़ाइन के साथ में हमें मिलता है और काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन ज़िब्रोनिक को एक काम इसमें ये करना चाहिए था कि हमें सेंसर्स की डिटेल्स दे देनी चाहिए थी कि कौन सा सेंसर आखिर में यूज़ कर रहे हैं। हाई पुलिंग रेट अच्छी बात है तो, और अच्छा सेंसर होना भी सही बहुत ज़रूरी है। आपके गेमिंग माउस में एक अच्छा सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा सेंसर नहीं है, वाकई एक टट्टी सा सेंसर अगर किसी ने लगा के आपके माउस में दे दिया, तो वो माउस वाकई अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन ये माउस मुझे काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू एवरी माउस आई हैव यूज्ड टिल नाउ। और ये 1000 रुपये का माउस भी है, मैंने आज से पहले कभी 1000 रुपये का माउस यूज़ नहीं किया वैसे। सो इधर अभी हम आ जाते हैं बजट पर। तो ये माउस हमें पड़ेगा अराउंड 1000 रुपीज़ का। और अगर आपको इससे कुछ ज़्यादा बेहतर माउस चाहिए तो मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर लॉजिटेक G102। इट्स रियली अ गुड माउस। और गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बोला ही कि सेंसर वाकई बड़ा मैटर करता है आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस में। पहले से इंटरनेट का स्पीड स्लो है, अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो जितना ज़्यादा रिस्पांस आप निकाल सकते हो अपने सिस्टम से, उतनी अच्छी सिस्टम की रिस्पांस निकालो ताकि आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिले। मेरे हिसाब से इंडिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस टाइम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी नेट स्पीड ऑलरेडी स्लो है, तो किस ना किस तरीके से हमें उसको लेवल में करना पड़ेगा। तो रिस्पांस टाइम हमारे सिस्टम में खतरनाक होना चाहिए। वैसे इसका भी हाई पुलिंग रेट है तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। और भाई सॉरी, प्लीज़ सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ आजकल, रियली सॉरी, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ रेगुलरली। सो होप करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।